दबंग 2 की बेबी डॉल करीना जहां इस सॉन्ग के लॉन्च पर बिल्कुल दबंग मूड में नजर आई, वहीं इधर रियल दबंग सलमान इस लॉन्च पर दिखे इन अ नॉट सो हैपनिंग मूड। तभी तो देखे ना कैसे वो मीडिया के किसी भी सवाल को लेकर थे अनइंटरेस्टेड। चंदूर पांडे का जो आप किरदार निभा रहे हैं, उस किरदार में आप बिग बॉस ही किसी कैरेक्टर अगर सुधारना चाहे तो कौन होगा? फिर चाहे बात मलाइका के मुन्नी बदनाम सॉन्ग से मिलते जुलते फेविकॉल सॉन्ग की हो, या फिर दबंग 2 के हर गाने में ओरिजिनल दबंग के किसी न किसी गाने के रिजेम्बलेंस की, जरा देखिए कितने शॉर्ट एंड क्रिस्प अंदाज में सल्लू मियां ने दिए अपने सारे जवाब। आइटम टाइप का गाना है, अच्छा गाना है, फेविकॉल नाम है इस गाने का और अच्छा धमाकेदार गाना है, मुन्नी के टक्कर का गाना है। वही पिक्चर छाप के नहीं दे रहे वापस, फिल्म अलग है और एक जॉनर की फिल्म बनी थी दबंग, ये मान के चलो कि वो इंटरवल के पहले की फिल्म थी, अब ये इंटरवल के बाद की फिल्म। सलमान थे अ लिटिल अनवेल दिस आफ्टरनून और मे बी ही वाज टू टायर्ड विद द नॉनस्टॉप कंप्लीशन वर्क ऑफ दबंग 2, जिसके चलते वो अपने दोस्त आमिर का मैसेज तक नहीं देख पाए थे। जस्ट सॉ अ टेक्स्ट फ्रॉम आमिर, स्टक विद क्या करा था कल रात को, कल क्या करा प्रमोशन डबिंग ऑफ दबंग, सो आई सॉ इट वेरी लेट इन द नाइट। लेकिन थकान चाहे जितनी भी हो, सलमान तो आखिर सलमान है, किसी ना किसी को अपनी बातों के लपेटे में लिए बिना तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी ही नहीं हो सकती ना। तो इस बार सलमान ने रानी मुखर्जी को ले लिया अपने निशाने पर बाय इनडायरेक्टली स्टेटिंग दैट रानी इज नॉट सिंगल। आप ही देखिए ये पूरा इंटरेक्शन। इसमें आधी सच्चाई है जी, इसमें आधी सच्चाई है, आपसे पूछा नहीं है अभी तक। रानी एंड यू, एक रिपोर्टर ने सलमान को बताया कि रानी ने अपनी दबंग गई दिखाते हुए ये स्टेटमेंट दिया है कि वो द सेक्सीएस्ट बैचलर सलमान से पूछेंगी इफ ही विल मैरी हर, जिस पर सलमान ने आदित्य चोपड़ा के साथ रानी के अफेयर का हिंट देते हुए ये कह दिया। और इसके बाद जब मीडिया ने सलमान को एलैबोरेट करने के लिए कहा तो वो यहाँ से चलते बने इन हिज दबंग स्टाइल। सुरुचि महातुरकर, कोरे, ज़िंग, मुंबई।